जावी? ना बेबी, जावी नहीं मॉन्स्टर, मैं मॉन्स्टर। तुम्हारे जावी को तुमने 7 साल पहले मार दिया था। वो फिर से सर्द लहजे में बोला था, मैं तो पिछले 5 सालों से तुम्हारे पास आ रहा हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें और तुम्हारे बाप को सजा मिल जाए। प्लीज मुझे माफ कर दो जावी, मैं जानती हूं मैं गलत थी, लेकिन उस वक्त। ना भालू, माफी का वक्त गुजर चुका है, अब इंतकाम का वक्त है। मोनसे ने ये कहकर कॉल बंद कर दी और उसकी आंख से आंसू निकला था। नहीं नहीं, मेरा दिल दोबारा से नहीं पिघल सकता। तुम्हें उस वक्त का पछतावा अब होगा माला। अब अमान कराची की मशहूर कोठे पर पहुंच चुका था। उनको मालूम हुआ था कि यहाँ किंग का एक खास बंदा जोसेफ आने वाला है, जो कि लड़कियों को फंसा कर यहाँ बेच देता था। उनको कब से जोसेफ का इंतजार था, जो कि दूसरे मुल्क गया था। एविल को किसी ने खबर दी थी कि जोसेफ वापस आ गया है और आज रात वो गंगा बाई के कोठे पर आपको मिलेगा। ये काम उन्होंने अमान को दिया था। अमान कोठे पर पहुंच चुका था। 25 साल अमान, काली गहरी आंखें, काले ही पेंट शर्ट में वो वहाँ नाचने वालियों को, अपने जिस्म को बेचने वालियों को मुतासर कर रहा था। वहाँ इतना रश देखकर आज वह हैरान था। यहाँ इतना रश क्यों है? क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में जोसेफ को मारना, उसे ट्रैप करना अमान को मुश्किल लग रहा था। यहाँ आज मोनिका बाई का रक्स है। वो महीने में एक बार रक्स करती हैं और बड़े बड़े लोग चंदा बाई का रक्स देखने आते हैं। ईमान को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसकी बात को इग्नोर करता चला गया था। अंदर इतना रश देखकर तो ईमान एक दफ़ा चकरा गया था कि कौन सी हस्ती थी जिसे देखने के लिए लोग इतने पागल हैं। वो इतने लोगों में जोसेफ को ढूंढ रहा था, जो कि अभी आया नहीं था। शायद अभी वो सोच ही रहा था कि शोर उठा कि चंदा बाई आने वाली है। ईमान को दूर से जोसेफ भी आता दिखाई दिया था, जो कि अपने गार्ड्स को बाहर ही खड़ा करके आया था और आकर गंगा बाई के साथ ही बैठ गया। जिसे देखते गंगा बाई के चेहरे पर लालच की मुस्कुराहट आई थी। उन्हें पता था कि जब भी ये लड़का आता था, लाखों रुपए उड़ा कर जाता था और सब सांस रोके चंदा बाई का इंतजार कर रहे थे। छन छन, उससे अपना एक पैर एक अंदाज से ज़मीन पर मारा था। महफिल में बैठे तमाम ग्राहकों की नज़र घुंघरू की चनकार पर सामने उठी थी। लाल रंग के अनारकली फ्रॉक को सेब तन किए वो सर पर घूंघट गिराए हुए महफिल में आई थी। छन छन, अमान उसके सफ़ेद मोमी पाँव देख रहा था, जो पहली दफ़ा यहाँ आया था। और पहली दफ़ा उसकी हर चनकार पर अमान का अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। चंदा बाई की चनकार से कोठे का पूरा आहाता गूंज रहा था। कई अवस सदा लोगों की नज़र चंदा बाई के वजूद पर उठी थी। वहाँ बैठे तमाम नफूस बेताब निगाहें उस पे काड़े बैठे थे। आखिरकार आज चंदा बाई रक्स करने वाली थी। सारी सियासी शख्सियात के अलावा शहर के बड़े बड़े सेठ उसका दीदार करने यहाँ मौजूद थे, क्योंकि महीने बाद अपना दीदार करवाती थी। ना जाने क्यों वो इस कोठे वाली जगह पर रहकर भी अपना आप इन दरिंदों से महफूज रखी हुई थी। कोठे के अहाते में तेज म्यूजिक की आवाज़ गूंजी थी और चंदा बाई ने अपना घूंघट पीछे गिराया था। हसीन चेहरे के दर्शन होते साथ ही अमीर साधु ने नोटों और फूलों की पत्तियां उसमें निछावर की थीं। और अमान जहाँ था वहाँ ही रहा। उसे लगा वो आंख झपकेगा तो ये सामने खड़ी हसीन लड़की उसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाएगी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, लंबे काले बाल जो उससे खुले छोड़े हुए थे, रेड लिपस्टिक लगाए वो वहाँ हर बंदे का ईमान डगमगा गई थी। जहाँ हर मुस्लिम गैर मुस्लिम बंदा आता था अपनी हविस पूरी करने, लेकिन अमान तो उस परी का चेहरा देख तंग रह गया था। गंगा बाई तो इतने नोटों को देख पागल हो रही थी। दीवानी हाँ दीवानी हो गई। चंदा हर किसी के चेहरे पे नज़रें काट रही थी। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, वो अपना फ्रॉक इधर उधर ले रहा थी, आशिकों का दिल बेकाबू करवा रही थी। अमान यकटक आज चंदा को देख रहा था। उसे ये भी एहसास सा हुआ कि पहली नज़र की मोहब्बत उसे हुई है, और वो भी एक गैर मुस्लिम तवाइफ से। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी हो गई। अमान की नज़रों में मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी थी, बाकियों की तरह हवस सही थी। जख्म तूने ऐसा लगाया, दीवानी दीवानी हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी रूहानी हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो, रवानी रवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हो दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई।
जो जग ने ना मानी तो मैंने भी ठानी, देखो मैं कहाँ थी कहाँ चली आई। डांस करते अचानक से चंदा की नज़र अमान पर पड़ी थी जो उसे यकटक देख रहा था। चंदा को अमान की नज़रों में अपने लिए हवस ही नजर आई थी, लेकिन वो क्या जानती थी उसको इन हवस सदा नज़रों से बचाने के लिए अपनी जान भी दे देगा। चंदा भाई का रक्स मजीद तेज हो गया था। ना जाने क्यों चंदा की आज पहली दफ़ा नज़र उठी तो अमान हर पर तरफ था। इतना रक्स किया था कि चंदा के पैरों से घुंघरू उतर कर उसके पाँव के नीचे आ रहे थे। आज चंदा को अपना मासी याद आ रहा था। घुंघरू लगने की वजह से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके मासी का दर्द ज़्यादा दर्दनाक था। सब लोग उसके पैरों से निकलता खून देख रहे थे। अमान आगे बढ़ा था। इससे पहले कि चंदा गिरती अमान ने उससे पकड़ा था और चंदा ने आंखें बंद होने से पहले अमान को देखा था और बेहोश हो गई थी। गंगा भाई परेशान हुई थी, उसे जल्दी से अमान के हाथों से चंदा को लिया था और लोगों के हाथों के हाथ अंदर भिजवाया था। कौन हो भाई तुम, गंगा भाई अमान को देखकर बोली थी। शक्ल से तो वो शरीफ लगता था, तो वो इधर क्यों आया था। गंगा भाई के पुकारने पर अमान को होश आया था और जोसेफ को ढूंढने लगा था। दूर जोसेफ भी पान थूकता हुआ किसी कमरे में किसी के जिस्म से खुश होने चला गया था। जी मैं बस यहाँ रक्स देखने आया था। वो मजीद कुछ कहे बगैर ही जहाँ जोसेफ गया था वहाँ चला गया और गंगा भाई चंदा के पास चली गई। जोसेफ नशे में धुत लड़की के वजूद को पकड़े अपने आप को होश कर रहा था। अमान ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला जो खुलता चला गया, जहाँ वो लड़की घबरा कर अपने आप को ढांपने लगी थी। जोसेफ ने गुस्से में अमान को देखने लगा था। अमान ने अपना चेहरा मास्क से ढांप लिया था कि कोई उससे पहचाने ना। कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की, जोसेफ ने गुस्से से पूछा। अमान ने उस लड़की को बाहर जाने का इशारा किया। वो लड़की डरते डरते बाहर गई थी। अमान जोसेफ की तरफ बढ़ता एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था। कुत्ते, तू किंग के लिए काम करता है, अमान भी दहाड़ा था। इससे पहले जोसेफ कुछ कहता अमान ने एक प्लेट पकड़ी और उसकी शहरक पर फेर दी, जिससे जोसेफ वहां ही तड़पता दम तोड़ गया और अमान वहां पर किसी की भी नज़रों में आए बगैर अपना काम करता निकला। उससे पलटकर उस कोठे की इमारत को देखा और मुंह में बड़बड़ाया था, चंदा, और मुस्कुराता हुआ चला गया। चंदा बच्चे क्या हुआ है आपको, गंगा भाई चंदा के पास आई थी। उसके पैरों को देखते हुए लब मीचे थे। बेशक वो एक बाजारों और थी, लेकिन उन्होंने मोनिका को अपनी बेटी समझा था। जब चंदा उनके पास आई थी वो 18 साल की थी और अब वो 22 साल की थी। 4 सालों में चंदा ने मुश्किल से 6 से 7 दफ़ा रक्स किया था होगा। गंगा भाई उससे फोर्स नहीं करती थी। जब चंदा को अपने दिल का गुबार निकालना होता था वो रक्स करती थी, वरना नहीं। गंगा उससे फोर्स करके उस जैसे हीरे को गंवाना नहीं चाहती थी। अम्मा, चंदा ने गंगा भाई को पुकारा। गंगा भाई को आज उसकी आवाज़ से फिर से 4 साल पहले वाला दर्द महसूस हुआ था। बस पाँव में दर्द है, वो दर्द से आंखें बंद कर गई थी। वो गंगा भाई मस्जिद कुछ कहे बगैर बाहर जा चुकी थी। दूसरी लड़की को इशारा कर गई थी कि दवा लगा दे। क्या बना अमान तुम्हारे काम का, अमान वापस घर आया तो ईविल ने पूछा। हो गया है काम, खत्म कराया हूँ जोसेफ को, अमान मुस्कुरा कर बोला। चलो दोनों मेरे साथ मीटिंग रूम में हो। मुझसे ईविल और अमान कमरे में चले गए। वहां 10 लोगों की तस्वीरें और 7 में नाम थे, जिनमें से तीसरे नंबर पर जोसेफ था। यानी कि अब बस उन 7 लोगों को ख़त्म करना है और आखिर में उस किंग को, जिसका पता आज तक उनको नहीं लगा था, उनके मालिक को मारा था किंग ने और उसकी जगह खुद किंग बन बैठा था। एविल ने बड़ा सा कट जोसेफ की तस्वीर पर लगाया था। तुम कब अपना प्लान स्टार्ट कर रहे हो मॉन्स्टर, तुम्हारे सुसर का नंबर भी किंग के साथ है क्योंकि वो उसका खास बंदा है और खास बंदे को मारने का मजा ही अलग आता है। बहुत जल्द मैं अपनी चीज अपने पास ले आऊंगा, मुझसे भी एविल से कहता निकल गया था। तुम कब अपने आशिक से मिलोगी, एविल ने गहरा सांस लिया था। बहुत जल्द, वो सीढ़ी मारते कमरे से चली गई। अमान भी लारेब के कमरे में चला गया जहाँ वो मासूम सी बनी गुड़िया की तरह सोई हुई थी। मेरा बच्चा बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके सर पर आराम से हाथ फेरने लगा कहीं वो उठ ही ना जाए। मासी, आज एन और कयान किसी की शादी पर जा रहे थे। नायला की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कयान और एन को तैयार किया था। एन को साड़ी पहनने का बहुत शौक था जो कि अब उससे जिद करके कयान के साथ जाकर खरीद लाई थी। कयान के किसी दोस्त की शादी थी, वहां पर किरण ने भी आना था, लेकिन ये बात एन को पता नहीं थी। एन जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। बस आ गई, वो आराम से सीढ़ियाँ उतरती, एक हाथ से साड़ी का पल्लू ठीक करती,
एक दफा तो कायान का दिल धड़का गई थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, जो कि उसके धुरिया रंगत में बेहद जच रही थी, ब्राउन बाल खुले छोड़े हुए थे। एक हाथ में क्लच था और महारत से किया गया मेकअप, दूर से ही बड़ी बड़ी आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां, साड़ी की आधी आसीन से उसकी धुरिया बाजू चमक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते कायान के पास आई और कायान का बाजू पकड़ लिया था। आज कायान को एहसास हुआ था कि ऐन उसका बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन उसके दिल में फवार सी पड़ी थी और बाद में अपने ही ख्याल पर लानत भेज कर उसके साथ चल पड़ा। शादी पर कई लड़कों की नज़र ऐन पर उठी थी। वह कायान का दिल कर रहा था अपने बच्चे पर हर उठने वाली बुरी नजरों को नोच डाले। इतने में दूर से ही उसे किरण आती दिखाई दी, जिसे लाल रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। वो भी बेहद प्यारी लग रही थी। कायान ने अपना बाजू ऐन के हाथों से छुड़वा कर किरण के पास चला गया, जिससे ऐन का गुस्सा सवा नीचे पे पहुंचा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसका आन उसे छोड़कर उस चुपकली के पास चला गया है। उसका दिल किया उस किरण का मुंह नोच ले, लेकिन जबरदस्ती की मुस्कुराहट किए वो भी किरण के पास चली गई। किरण ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया था। बाद में वो कायान को लेकर चली गई और ऐन अकेली रह गई। अब तो पक्का कायान से नाराज होने वाली थी। वहां एक कायान का दोस्त भी ऐन के पास आया था। हेलो, माय नेम इज अहमद। वो अपना हाथ आगे करता ऐन से मुहातिब हुआ। ऐन ने एक नजर लड़की को देखा, जो कि काफी हैंडसम था। वो भी अब कायान को जलाने के लिए उससे बात करने लगी थी। जब कायान ने ऐन को किसी से बात करते देखा तो जल्दी से वहां आया। ओ हेलो कायान, ये तुम्हारे साथ है ना? किरण कायान का मुंह देखती रह गई। उससे ऐन पर गुस्सा आया था कि वो कायान की तवज्जो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये मेरी बहन है। कायान ने ऐन को अपने साथ लगा लिया था। वो नहीं चाहता था कि ऐन को कोई बुरी नजर से देखे। वो हमेशा अपनी ऐन को ढांप कर रखना चाहता था, लेकिन उससे कहाँ पता था कि ये बहुत जल्द उसकी ऐन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली है। ऐन मुंह बनाते कायान के साथ खड़ी थी, जबकि कायान को ऐन का चेहरा देख हंसी आ रही थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो वो लोग घर आ गए थे। ऐन अपने कमरे की जानिब जाने लगी तो कायान ने उससे रोक दिया। ऐन, क्या बात है बच्चे, क्यों नाराज हो मुझसे? छोड़े मुझे आन, आप मुझे छोड़कर उस किरण के साथ चले गए ना, वो गुस्से से बोली। मेरा बच्चा, मेरी ऐन, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, इज्जत किया करो उनकी, तुमसे बड़ी है। वो उसे प्यार से समझाने लगा था। वो जानता था वो बहुत जिद्दी है, उसे बस प्यार से समझाया जा सकता है। लेकिन आप उसे मुझसे ज्यादा अहमियत दे रहे थे, है ना आन? ये क्या बात हुई, बस थोड़ी देर तो हमने बात की थी। ऐन को गुस्सा आया था। वो कायान के हाथ झटकते चली गई। कायान को पता था सुबह तक वो खुद ही मान जाएगी। आज तक कायान कभी अपने बच्चे अपनी ऐन पर हाथ नहीं उठाया था। हाल, माला कमरे में आई तो उसका मोबाइल बज रहा था। उससे बेध्याने में कॉल उठाई। हेलो फहद, कहाँ थे तुम? दूसरी तरफ पोन्से का फहद का नाम सुनकर रगे धनी थी। वो अपनी माला पर नजर रख रहा था। उसे पता था आजकल वो फहद से मुलाकातें कर रही है, लेकिन अभी उसके मुंह से फहद का नाम सुनकर हालत तक कड़वा हुआ था। भालू, मॉन्स्टर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, जबकि दूसरी तरफ माला का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बोलो भालू, उस फहद का नाम लेते हुए तुम्हारी जुबान चुप नहीं हुई? मेरी आवाज सुनते, अपनी जावे की आवाज सुनते चुप हो गई, जिससे 7 साल पहले हुई थी? सावी? हाँ डार्लिंग। जावी प्लीज माफ। माला तो हिचकी से रोने लगी। भालू, माफी लफ्ज जब तुम मेरे पास आओगी तब तुम्हारे मुंह से सुनते को अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, वो होप से कहने लगी। क्यों, अब अपने जावे के पास आने से भी डर लगने लगा है, या अब तुम उस फहद से प्यार करने लगी हो? नहीं नहीं, वो मैं। भालू, एक बात याद रखो, बचपन की बातें न मैं भूला हूं न तुम्हें भूलने दूंगा। तुम सिर्फ इस मॉन्स्टर की हो, आई समझ? नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूं, वो सिसकते हुए बोली थी। उससे अब जावी से डर लग रहा था। ये तुम्हें कुछ दिनों बाद में पता चल जाएगा। और जावियार ने फोन बंद कर दिया। अब माला के होश सल्ब हुए थे। वो भी तो अपने जावी को पसंद करती थी, लेकिन अब उसे डर लगता था कि जावी जब होश में उसके सामने आ गया तो उसका क्या हाल करेगा। फहद को तो सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन अब जावी से डर लगने लगा था। क्या वो उसे सबसे दूर ले जाएगा? वो उसे जल्द ही अपने बाप से बात करनी होगी। अमान किसी का हाथ पकड़े उसके सफ़ेद मोमी हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा था, लेकिन आज वो उसके थोड़ा करीब थी। सफ़ेद हिजाब लिया था, उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि अमान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अमान की खूबसूरत आवाज़ गूंजी थी। ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह। जब जब वो कलमा पढ़ता जा रहा था, साथ में उस लड़की की आंसू भरी आवाज़ अमान के कानों में पड़ रही थी और उसकी आंख से निकलते आंसू अमान अपने हाथों पर गिरते महसूस कर रहा था। अभी वो उसका चेहरा देखता कि अमान की फिर से आंख खुली थी। कौन है ये? क्यों पिछले 3 सालों से मेरे ख्वाबों में आ रही है? मैं क्यों इसका चेहरा नहीं देख पा रहा? कौन है इतनी पाक औरत जिसे मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ? वो परेशानी से सोचने लगा, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आया था। एकदम से ख्वाब वाली लड़की को भूलकर उसका ध्यान कोठे वाली लड़की की तरफ चला गया। चंदा, उसके मुंह से पड़बड़ाहट निकली थी। उसका दिल कर रहा था कि आज फिर से वो उसका दीदार करके आए। उसे पता था वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिल खींचा चला जा रहा था जो उसे बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा था। वो सारे ख्याल झटक कर फ्रेश होने चला गया, क्योंकि आज अपनी बहन को उसके फरमाइश पर सैर भी करवाने लेकर जाना था। एएसपी कायान, क्या आपको खबर है? कल रात एक मशहूर शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया है। कायान सर झुकाए खड़ा रहा। आप लोग इविल को ढूंढ क्यों नहीं रहे? कौन है वो जो सबको हमारी नजरों के सामने मार रही है, लेकिन वो आप लोगों के हाथ नहीं आती? सामने बैठे अफसर कायान पर बरस रहे थे। कायान ने बहुत बड़े बड़े मुजरिम पकड़े थे, इसीलिए अफसर कायान की कारदगर्दगी देखते इविल को पकड़ने का सारा काम कायान पर डाला था, लेकिन वो अभी तक इविल और उसके साथी को पकड़ने में नाकाम रहा था। सॉरी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द इविल हमारी कैद में होगी, वो एक अजम से बोलता ऑफिसर्स को कुछ मुतमिन कर गया था। कायान खुद बहुत परेशान था। 3 मशहूर लोगों की अमवात इविल के हाथों हो चुकी थी, और छोटे मोटे लोग जो गलत कामों में मुलविस थे, उन्हें इविल मौत के घाट उतार चुकी थी, क्योंकि वो मारने के बाद अपना टैग लगाना नहीं भूलती थी। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से जिंदा लाश बना दिया था। अब बस इविल और एएसपी कायान का आमना सामना बाकी था। कल रात ही उसे खबर मिली थी कि कोठे पर एक कत्ल हो गया है जिसकी शहरक काटी गई है, और इविल गैंग का तरीका ही यही था कि वो अपने हथियारों से लोगों की शहरक काटते थे। कायान अब इस इविल से तंग आ चुका था, हर बार हाथों से निकल जाती थी बगैर सबूत के। माजी सुबह इन उठी तो उसका रवैया कायान से पहले जैसा ही था, और ऐसे ही तो थी वो, नरम दिल, अपने आन से प्यार करने वाली। ना वो खुद नाराज होती थी, ना आन को रहने देती। मेरा बच्चा राजी हो गया है ना? वो एन को नाश्ते की टेबल पे बैठते देख कर बोला। आन, आपको पता है मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती हूँ, ना आपसे बात किए बगैर रह सकती हूँ। जिस दिन आप मुझसे नाराज हो गए ना, और आपने बात ना की, तो मैं मर जाऊंगी। एन की ब्राउन आंखों में अचानक से नमी आई थी। एन मेरा बच्चा, तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? और आइंदा मरने की बात ना करना, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगा, उसे अपने सीने से लगाता प्यार से बोला। हाल बड़ी, मैं तैयार हूँ। हाथों में खूबसूरत सी गुड़िया थामे काले कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहने वो अमान के सामने खड़ी थी। आज उससे बालों की 2 पोनियाँ नहीं बनाई थी, आज उससे पूरे बालों को खुला छोड़े आगे हेयर कैचर लगाए पीछे किया हुआ था। लंबे बाल कमर पे बिखरे हुए थे, मेकअप से पाक शफाफ चेहरे पे काली मासूमियत से लबरेज आंखें कसब डा रही थी। ला रही 5 भोजोशी, क्योंकि अमान उससे साहिले समंदर पर पिकनिक के लिए ले जा रहा था। माशाल्लाह, बड़ी की गुड़िया तो बिल्कुल फेरी लग रही है। अमान लारेब के फूले फूले काल खींचते खोया हुआ तो वो खुश होती जोश से मुस्कुरा दी। अमान ने जेब में हाथ डाले एक पेंडेंट निकाला। लारेब अमान के हाथ में मौजूद पेंडेंट को देख रही थी। सिल्वर रंग की चेन में काले रंग का स्टोन चमक रहा था। ये किसका है? वो अमान के हाथ में मौजूद पेंडेंट को देखते इश्तियाक से खोया हुई। ये मेरी फेरी का गिफ्ट है। नाओ, बड़ी की फेरी बहुत प्यारी लग रही है। अमान ने नरमी से उसके गले में पेंडेंट डाला। वाओ, यू आर बेस्ट बड़ी। लारेब जगदम अमान के गले से लगती उसके गाल पर अपने लब रख गई थी। अमान ने मुस्कुराकर उसका सर थपका। पिछली दफा जब बाहर गए थे तो गुम हो गई थी वो, अमान ने बहुत मुश्किलों से ढूंढा था। वो शरारती भी तो बहुत थी, अमान को चकमा देकर भाग जाती थी, इसीलिए अमान ने उससे गले में एक ट्रैकर पेंडेंट पहना दिया था। चलो आ जाओ बड़ी की छोटी सी फेरी, तुम्हारा भाई आज सारे काम छोड़कर अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करेगा। मामा, आज मैं अपनी बहन को समंदर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। डार्क ब्राउन आंखें, 6 फुट से निकलता कद, रंग गंदमी, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, ये था सफीर शाह, अपने घर का इकलौता बेटा। अपनी माँ जिसका नाम इरम शाह और बाप मसर शाह जो कि 5 साल पहले वफात पा गए थे, और अपनी एक बहन जो कि 12 साल की थी स्कूल जाती थी, तो उसकी लाडली बहन जिसका नाम हिबा शाह था, और आज उसकी फरमाइश पर इस समंदर पर लेके जा रहा था उसे। भैया आज हम वहाँ बहुत मज़े करेंगे,
वाह, समंदर पर मजा आएगा। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं, जल्दी वापस आएंगे। ओके बेटा, जाओ जल्दी वापस आना। चंदा, तुम इस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? गंगा बाई दोबारा चंदा के पास आकर बोली। गंगा बाई ने सारा कमरा देखा। चंदा वैसे तो हिंदू थी, लेकिन उसके कमरे में उसके वुदू की कोई तस्वीर नहीं थी। अम्मा, मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं करता। उन हवस ज़दा नजरों का सामना करना मुझसे नहीं होता। बेहद खूबसूरत थी चंदा, उसी खूबसूरती ने उसे 5 साल पहले इस कोटे की सीनन बनाया था। चंदा, तुम उस मोहे को भूल क्यों नहीं जाती? गंगा बाई हिंदू थी, अपना सेवर साड़ी पहने, जिससे उसका पेट नजर आ रहा था, मुंह में पान लिए वो चंदा से बात कर रही थी। तुम्हें सुकून नहीं है तो अपने भगवान से मांग कर देखो। नहीं भाई, मेरा भगवान से यकीन उठ गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे 5 साल पहले मैंने अपनी इज्जत की भीख अपने भगवान से मांगी थी, वो कुछ नहीं कर सका, तो मैं नहीं मांगूंगी कभी भी अपने भगवान से। चंदा, हमारा भगवान सबकी सुनता है। देखना, एक दिन एक वक्त आएगा, तुम दोबारा माता रानी के आगे झुकोगी। वो वक्त कभी नहीं आएगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, वो बेसारी से कहते मुंह मोड़ गई। माता रानी ने ही तुझे अभी तक मर्दों से दूर रखा है। भाई, वो मेरी हिम्मत है, माता रानी में इतनी हिम्मत होती तो मुझे बचाती। भाई कुछ न कह सकी, वो चंदा की बातों पर हमेशा ऐसे ही आमोश हो जाती थी। माँ से, आन आन चले ना, मुझे शॉपिंग पर जाना है। एन बिना दरवाजा नॉक किए आन के कमरे में चली गई और कहा, आन किरण से बात कर रहा था। एन बच्चा, मैं किरण से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। एन को फिर से किरण का नाम सुनकर गुस्सा आया था। आन, वो चीखी थी, अभी मेरे साथ चले, आप फिर से मुझसे ज्यादा किरण को अहमियत दे रहे हैं ना। उसकी आंखों में नमी देख कर आयान पिघला था। अरे अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, इधर देखो, तुम्हारी भाभी की कॉल है और तुम भी बात करो। लेकिन एन ने गुस्से से कायान का मोबाइल लेकर नीचे फेंका। नहीं करनी मुझे बात, वो गुस्से से कहकर चली गई, जबकि कायान अपने टूटे मोबाइल और कमरे से निकलती एन को देख रहा था। उफ एन, क्या मसला है तुम्हें किरण के साथ? उसे भी गुस्सा आया था। उसका बाजू पकड़ता वो गुस्से से बोला। कायान का लहजा इतने गुस्से वाला नहीं था, लेकिन एन को उसका लहजा दिल पर लगा था। उससे आधा थी कांती अपने आन के इस लहजे की। छोड़े मुझे आन, आंसू बहाती एन कायान को परेशान कर चुकी थी। कायान को अब अपने लहजे का एहसास हुआ था। अच्छा सॉरी मेरा बच्चा, मैंने ऐसे रूडली बात की। वो उससे प्यार से मनाने लगा, लेकिन एन ने नाराजगी से मुंह मोड़ लिया। चलो आओ, कहाँ जाना है, मैं लेकर जाता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, जाए किरण से बात करें। ओहो सॉरी, ये देखो कान पकड़ लिए मैंने। वो उसके सामने कान पकड़ते एन को हंस आ गया। ठीक है, एक शर्ट पर, अब मुझे 2 कलर की चूड़ियां ला कर देंगे। बस इतनी सी बात, मैं तुमको 3 कलर की चूड़ियां ला कर दूंगा, बस तुम मान जाओ मेरी जान, उसकी नाक दबाते हुए बोला। तो एन खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाल, कहाँ हो एन? मुझे पता है तुम मेरे आसपास हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्यों अपने प्यार को, अपने इश्क को छोड़कर चली गई? तुम तो कहती थी कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती, अब क्यों? मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो एन की तस्वीर लिए उससे बात कर रहा था। इस शहर का ASP कायान कासमी, जिसके सामने बड़े बड़े मुस्लिम की टांगे कांप जाती थी, लेकिन वो किस गर्भ से गुजर रहा था कोई नहीं जानता था। नाइला आए रोज अपने बच्चे की हालत देखकर दुखी होती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो भी तो अपनी बच्ची को याद करती थी, लेकिन वो ना जाने कहाँ चली गई थी। भाई, आप डर्टी लोगों को टिशम टिशम करते हैं ना? लारेब ने अमान के भारी हाथ में मुकीर अपना मोमी हाथ छुड़वाए, बकायदा हाथ का मुक्का बनाया हवा में मारा। हाँ मेरी गुड़िया। बड़ी, अचानक लारेब का लहजा गंभीर हुआ। अमान ने लारेब की जाने देखा। बड़ी, आपने ने फिर उस डर्टी आदमी को क्यों नहीं डिशुम डिशुम किया था? काली कांच से आंखों में तेजी से आंसू चमकने लगे। मेरी गुड़िया, अमान ने उसे अपने सीने से लगाया, आज हम अपनी गुड़िया के साथ घूमने आए हैं तो इंजॉय करते हैं। लारे भूली हुई बात याद करते याहू का नारा लगाकर एक बार फिर से पुरजोश हुई। बड़ी, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, लारेब ने बड़े लाड से अमान से फरमाइश की। ओके आप यहाँ रुको, बड़ी की फेरी कहीं जाना नहीं, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अगर मेरी फेरी यहाँ से ही ली तो मैं वो आइसक्रीम उसको दे दूंगा। अमान सामने की जानिब इशारा करते हुए बोला, जहाँ एक लड़का सफेद रंग की शर्ट पहने आंखों पर सनग्लासेस लगाए खड़ा था। नो नो, उसको नहीं देनी, प्रॉमिस फेरी नहीं हिलेगी।
लारेब जल्दी से अपने गले को पकड़े बोली थी, अमान अस्वाद में सहेलाता आगे बढ़ता। जब लारेब के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई, वो मिनट की देर के बिना सामने समंदर की जानिब भागी थी। अगले ही पल वो समंदर के किनारे पर भागती पानी से खेलने में मसरूफ हुई थी। उसने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे। वो इस बात से बेनियाज सी कि अपनी मस्ती में वो ऐसा ऐसा गहरे पानी की तरफ भागती जा रही है। भैया आओ ना, थोड़ी देर समंदर के पास चलते हैं, दूर से देखने का मजा नहीं आता। हिबा ने सफीर से कहा। वो कहाँ अपनी बहन की बात टालता था, हिबा को लेकर चला गया। अभी वो गए ही थे कि सफीर को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हिबा और सफीर दोनों इधर उधर देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। हिबा यहाँ पर रुको, मैं दूसरी साइड पर देख कर आता हूँ। वो हिबा से कहता बिना उसकी बात सुने दूसरी साइड पर भागा था। फिर नजर सामने समंदर की तरफ उठी, जहाँ उसके हाथ नजर आ रहे थे। चूंकि चीखे नुस्वानी थी, वो जान चुका था कि कोई सिनफे नाजुकी है। लड़की बार बार हाथ ऊपर करती खुद को पानी से निकालने की कोशिश कर रही थी। सफीर एकदम उसकी जानिब लपका था। पानी इतना गहरा नहीं था, लेकिन नालेब से तो ये थोड़ा सा पानी भी कहाँ बर्दाश्त हो रहा था। सफीर एकदम पानी में जाता, उसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने हाथ हमाइल करता उसको ऊपर कर गया था। काली आंखें भूरी आंखों से लग रही थी। सफीर की सफ़ेद शर्ट मुकम्मल तौर पर गीली हो चुकी थी। शर्ट गीली होने की वजह से उसका कसरती जिस्म मार गया था। अपने सामने खड़े अनजान शख्स को देख लारेब की सांसें अटकने लगी थी। वो खौफ से सफीर को देखने लगी। कचा के सफीर के दोनों हाथ उसकी कमर से लिपटे हुए थे। यही कहना गलत ना होगा, वो सफीर के सहारे खड़ी थी। लारेब शदीद मसम्मत करती उसके आसार को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर मुकाबले की गिरफ्त मजबूत थी। सफीर को गुस्सा आया था। एक तो उसने उस लड़की को बचाया था, ऊपर से लड़की यूं बिहेव कर रही थी। इतना खुदकुशी करने का शौक है बीबी, तो चीख क्यों रही थी? अब अगर बचा लिया है तो फिर इस मजम्मत की वजह? सफीर गुस्से से उराया। लारेब जो पहले ही खौफजदा थी, उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। वो हिचकियां बढ़ती सफीर को देखने लगी। अचानक उसकी हिचकियां तेज होती सांसें रोकने का सबब बनने लगी। सफीर ने उसे देखा, इसकी गहरी काली आंखों में बेहद मासूमियत थी। काले रंग के कपड़ों में उसका सफेद जिस्म चमक रहा था। सफीर को मालूम हुआ था कि काला रंग भी किसी पर इतना जच सकता है। उसे नहीं पता था कि उससे इतना क्यों डर रही है, लेकिन वो एक डॉक्टर था, समझ चुका था कि उसे दमे की बीमारी हो सकती है। सफीर ने जल्दी से लारेब का नाजुक वजूद अपने मजबूत बाँसों में उठाया और पानी से थोड़ा दूर ले जाता, रेत पर उसे लेटाता गया। पर लारेब अब तक सांसों के लिए तड़पती बेजान होती चली जा रही थी। आंखें तकलीफ की वजह से सूख हो गई थी। अमान लारेब को अपनी जगह पर ना पाकर लारेब को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था। हे आंखें खोलो, आंखें बंद नहीं करो, इन्हेलर कहाँ है तुम्हारा? सफीर ने लारेब के गाल तपतपाते हुए बोला। लारेब को होश नहीं आ रहा था, वो अपने होश सांस की मुश्किल की वजह से खोती जा रही थी। लारेब सांस लेने के लिए जमीन पर पड़ी बिन पानी की मछली की मानिंद तड़प रही थी। आंखें बाहर निकलने को थी, जबकि दिमाग की नसें ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से उभर कर बाहर आ चुकी थी। अचानक बहुत अचानक सफीर झुका था। गुलाबी लब जो अब नीले पड़ चुके थे, उन्हें अपने अनाबी लहू में कैद कर गया। वो लारेब पर झुक कर उसे अपनी सांसें देने लगा था। लारेब शिद्दत से उसकी सांसें खुद में उतार रही थी। आखिर एक मरते हुए शख्स को सांसों के अलावा और क्या चाहिए होता है? लारेब ने कांपते हाथों से सफीर की गीली शर्ट कॉलर से जकड़े शिद्दत से उसकी सांसों को इनहेल किया। सफीर जो हमदर्दी के तहत ये अमल कर गया था, अपने नीचे दबी नाजुक जान के इस अमल पर स्टिल हुआ था। उससे भूरी आंखों से उस अनजान लड़की को देखा जो बड़ी शिद्दत से उसकी सांसें इनहेल कर रही थी। ऊपर से उसके मुँह में हाथ सफीर का कॉलर जकड़े हुए थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा नरम गरम लम्स और इन नाजुक लबों की शिद्दत महसूस किए। सफीर को एक अनोखा एहसास हुआ था, दिल में जैसे गुदगुदी सी हुई थी, जबकि लारेब को सांसों के अलावा किसी चीज़ का होश ना था। अमान लारेब को ढूंढता वहाँ आया था और अपनी बहन के ऊपर किसी को झुका देख उसकी रगें तनी थी। वो जल्दी से जाता, उसके कॉलर को पकड़ता, पीछे धक्का दिया और जोरदार मुक्का उससे मारा। ये सफीर का होंठ फट चुका था। सफीर तो हैरानगी से अमान को देखने लगा था कि उससे क्यों मारा। खैर, काम तो उससे नहायत ही बेहूदा किया था, अब मार न पड़ती तो और क्या होता। पर आखिर ये था कौन जिससे बिना कुछ जाने सफीर शाह पर हाथ उठाने की गलती की थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? वो गुस्से से फिर से सफीर की तरफ बढ़ा। देखिए मिस्टर एक्स वाई जी, मेरी बात सुने। सफीर ने प्यार से बात करनी चाहिए, वो जान लिया था कि सामने खड़ा लड़का उस लड़की का भाई है। क्या बात सुनो बेगैरत इंसान, मेरी बहन के साथ ये सब किया? जबकि हिबा और लारेब दोनों को देख रही थी। लारेब अमान की तरफ बढ़ी। भाई ये तो एंजल है,
इन्होंने मुझे समंदर से निकाला। लारे बच्चों की तरह मासूम से बोली समंदर की तरफ इशारा करते हुए। अमान ने लारे को अपने सीने से लगाया। बोल साले, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। अमान गुस्से से भी काबू होता लारेब को छोड़े एक बार फिर सफी का गिरबान पकड़ गया था। सफी ने अमान के हाथों से अपना गिरबान छुड़वाते उसको गुस्से दूर की झटका था। अगर इतना ही ख्याल है तो किससे कहा था इसे अकेला छोड़ो। सफी की चिंगारती आवाज से लारेब ने अमान का बाजू सख्ती से थामा था। अब सफी सो अंगारा आंखें लिए अमान को तक रहा था। वो सब ना करता तो अब तक मर जाती तुम्हारी बहन और तुम उसके कफन दफन के इंतजाम कर रहे होते। सफी ने गुस्से से लारेब की तरफ देखा था जो उसे मार पड़वा कर अब सुकून से अपने भाई के साथ लगी खड़ी थी। और तुम? सफी ने अब लारेब की जानी उंगली किए बोला। लारेब कान से काली आंखें खोली उसे देखने लगी। आइंदा मुंह उठाकर कहीं ना चल पड़ना, इनहेलर साथ लेकर जाना, हर बार कोई तुम्हें मौत से नहीं बचाएगा। वो गुस्से से कहते ही गुस्से की नजर अमान पर डाले बिना कुछ सुने विभा का हाथ पकड़े आगे बढ़ चुका था। एंजल, सफीर को गुस्से में जाते देख लारेब सफीर को देखते हुए उससे पुकार बैठी थी पर वो कान लपेटे हिबा को लिए आगे बढ़ा था। जबकि हिबा ने नजर घुमाकर उस लड़की को देखा था जिसकी आंखें नम हो गई थी। उससे अभी लारेब की मेंटल कंडीशन के बारे में पता नहीं था। एंजल लफ्ज सुनकर भी वो उससे इग्नोर किया था। चलें गुड़िया, मैंने आपको कहा भी था कि वहां से नहीं हिलना, फिर आप क्यों गई? मुझे खेलना था, डकिंग की तरह स्विमिंग करनी थी, वो सीधे अंदाज से बोली। लेकिन अमान ज्यादा नहीं डांट सकता था। शुक्र था उस सड़के का कि उसे उससे बचा लिया था। उसे उस अनजान लड़की को मारने पर भी थोड़ा सा अफसोस हुआ था। वो शोर की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। काले रंग का लंबा फ्रॉक, लंबे काले बाल खुले छोड़े थे। कमरे से बाहर निकल कर देखा जहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। उस सामने ही अपने जैसी एक लड़की बैठी नजर आई जो रो रही थी, वो नजरें झुकाए हुए थी। चंदा चलती हुई अजीब सी नजरों से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। जब चंदा ने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा जहाँ से आग निकल रही थी, जो देखते देखते उस लड़की के पूरे वजूद में लग चुकी थी और लड़की की चीखें पूरे हॉल में गूंजी थी। आसपास बैठे आदमी उसे बचा नहीं पाए थे। चंदा ने दौड़ा देखा लेकिन कोई नहीं था कि अचानक से एक लड़का आया जिसका चेहरा चंदा को वाजिया नजर नहीं आया था। उस लड़की ने एक बड़ी सी सफ़ेद चादर उस लड़की के चलते जिस्म पर डाली थी जिससे उस लड़की की चीखें एकदम बंद हुई थी और वो आसपास के लोग गायब हो चुके थे। चंदा ने उस लड़की को हैरानगी से देखा था। उस लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़की की तरफ देखा। चंदा ने आगे जाकर उस लड़की का चेहरा देखने के लिए जिससे उस लड़की को बचाया था, अभी वो उसका चेहरा देखती कि उसकी आंख खुल गई थी। चंदा ने उठकर गहरी गहरी सांस लिए, माथे पर पसीना आया था। उसे थोड़ा देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो बेड पर बैठी अपने ख्वाब के मुतल्लिक सोच रही थी कि कौन था वो लड़का, लेकिन कोई सिरा उसके हाथ नहीं लगा था। फिर चंदा उस ख्वाब के बारे में सोच रही थी कि इतने में गंगा बाई और साथ में कुछ लड़कियां उस कमरे में आईं। चंदा, सेठ आया है, कहता है तेरे साथ एक रात। अभी उससे पहले कि गंगा बाई कुछ कह रही, चंदा गुस्से से सुत बैठी।